Hello guys, I welcome you to Champ Scam School. I hope you all are doing. Now it's time in today's video to learn about some advanced English sentences. So without any delay, let's learn these sentences. First sentence is उसका चेहरा खिल उठा, यानी कि वो बहुत खुश हो गया. उसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे her face lit up. Her face lit up. सेकेंड है मुझे जाने दो. ठीक है, हम किसी से कहेंगे कि मुझे जाने दो प्लीज, अब बहुत देर हो गई है, तो उसके लिए कहेंगे लेट मी गो, या यहाँ पर आप प्लीज भी ऐड कर सकते हैं, प्लीज लेट मी गो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपसे फिर मिलूंगी, यानी कि जब हम किसी से मिलके अपनी मुलाकात खत्म कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं आई विल मीट यू लेटर. ओके, नेक्स्ट इज यह मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस. सो ये दिस इज वन ऑफ अ वेरी एडवांस वेज ऑफ सेइंग ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है या इट्स नॉट डिफिकल्ट. आप इस ये भी कह सकते हैं इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप ऐसे करके बोलेंगे इट्स नॉट रॉकेट साइंस तो ये ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसके लिए हम कहेंगे आई एम ब्रेसिक. ओके, या आई डोंट हैव मनी. अगर आप कहेंगे आई डोंट हैव मनी तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे आई एम ब्रेसिक तो ये और अच्छा हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कौन सी ड्रेस खरीदनी चाहिए. जब आप किसी की राय ले रहे हो और आप ड्रेसेस चूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कहेंगे व्हिच ड्रेस शुड आई चूज, मुझे कौन सी ड्रेस चूज करनी चाहिए. नेक्स्ट है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, क्यों नहीं मुझे कॉल करी तुमने. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या पहनने वाले हो. या आप किसी से पूछ रहे हैं कि यार मैं तो आज शाम को ये पहन रहा हूँ पार्टी में, तुम क्या पहनने वाले हो, तो आप कैसे कहेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर टुडे. ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर टुडे. नेक्स्ट है तुम उदास क्यों हो, व्हाई आर यू सैड, यानी कि आप उदास क्यों है, मायूस क्यों है, व्हाई आर यू सैड. नेक्स्ट है तुम्हारा मैसेज मिलने पर मेरी जान में जान आई. जब आप किसी का बहुत इंतजार कर रहे हो उसके मैसेज का कि वो खैरियत से है, वो ठीक है, तब आप बोलेंगे कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिलने पर जान में जान आई, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे देखिए, आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर रिसीविंग योर मैसेज. तो ये जो वर्ड है साई ऑफ रिलीफ, ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज है एक तरह से, तो ये साई, ये जब हम ऐसे कहते हैं ना आह शुक्र, तो दैट वो एक्सप्रेशन जो होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं साय. तो इसके लिए हम सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं, आई हीव्ड अ साय ऑफ रिलीफ ऑन रिसीविंग योर लेटर. तो आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस पसंद भी आए होंगे और समझ भी आए होंगे कि इनको कैसे यूज करना है अपनी डेली लाइफ में. तो अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस पसंद आए हों तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल. एंड यस, उसके पास में एक बेल आइकॉन होता है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यस डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल चैम स्कैम स्कूल. होप टू सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन गुड बाय एंड सी यू.